और देश के प्रमुख क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ बख्शी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए यूपी जेल के डीजी एसएन साबत बिजनौर पहुंचे। डीजी ने पहले जेल परिसर पहुंचकर मूर्ति का अनावरण किया और वहां आजादी में शामिल क्रांतिकारियों के नाम को ध्यानपूर्वक पढ़ा। साथ ही डीजी ने इस कार्य के लिए जिला सुपरिटेंडेंट की सराहना भी की। कार्यक्रम में बिजनौर डीएम सहित एसपी ने भी शिरकत की। तो यहां पर क्रांतिकारी बख्शी की जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजी यहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही मूर्ति का अनावरण हुआ। तो यूपी जेल के डीजी बिजनौर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी तरफ से क्रांतिकारी की मूर्ति का अनावरण किया गया। आप सभी जानते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हमारे श्रद्धेय सचिंद्रनाथ बख्शी जी का क्या अमूल्य योगदान रहा है। इस बिजनौर के जिला कारागार में सचिंद्रनाथ बख्शी जी दो बार कन्फाइनमेंट पर रहे हैं। एक बार 1928 के द्वितीयार्ध में रहे हैं, बीच में 5 दिन के लिए बाहर उनको किया गया था। पुनः 1928 के अंतभाग से लेकर 1929 के बीच तक यहाँ पर वो कन्फाइनमेंट पर रहे हैं। ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी में हम लोग नाम लेते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, भगत सिंह जी, सबका हम लोग नाम लेते हैं। काकोरी के कांड के बारे में आप सब जानते होंगे, जो काकोरी के जो शहीद हमारे रहे हैं उन्हीं के साथ ये काम करते थे। और इसीलिए हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के एक पुरोधा के रूप में हम लोग इनको गिनते हैं। और उसके साथ साथ आज इस अवसर पर उनका ना सिर्फ मूर्ति का अनावरण किया गया, बल्कि 419 ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो समय समय पर, अभी तक के हमारे डेटा के हिसाब से 419 मिल पाए, हो सकता है आने वाले समय में और भी कुछ हम देखेंगे। पूरी प्रेरणा के पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे नाना जी का रहा है, श्री वासुदेव सिंह जी का, जो खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उन्होंने भी क्रांति छेड़ी थी। और इस क्रांति में वो बलिया जेल में सन 1941 में लगभग 7 महीने जेल में रहे थे। तो बचपन से जो कुछ उनसे सुना था, जब यहाँ पर आई और पता चला कि यहाँ की जेल जो 1852 की बनी है, लेकिन यहाँ पर आज तक कभी भी किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम कहीं भी शिलापट पे नहीं लिखवाया गया था, तो इसकी प्रेरणा को लेते हुए मैंने सारे रिकॉर्ड्स को कंगालना शुरू किया। और हमारी टीम ने इस पर काम करके सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स अब तक के निरुद्ध रहे, 1927 से 1947 तक के, हमने रिकॉर्ड्स को डिकोड किया है। तो 419 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम हमारे सामने आया है, जिसमें सचिंद्रनाथ बख्शी जी, जो काकोरी कांड में जिन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई थी और काला पानी की सज़ा भी पाई थी उन्होंने, उनका भी नाम जब सामने मिला तो हमारे ये कि इनकी प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए। बिजनौर जिला कारागार जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी है, यहाँ पर दिखना चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जितने भी सेनानी यहाँ बंद रहे थे उन्होंने एक ऐसी यातनाएँ सही थी